कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, एक कविता रोज। आज एक कविता रोज में हमारे और आपके एक पुरखे की कविता। क्या कमाल का आदमी था, क्या कमाल के बुजुर्ग थे। गोपाल दास नीरज इटावा के रहने वाले थे और गीत लिखते थे, कविताएं लिखते थे। ए भाई जरा देख के चलो, या फिर वो गाना खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, या फिर वो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या फिर डाकिया डाक लाया, या फिर उनका अपनी आवाज में ये कहना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। इन्हीं गोपाल दास नीरज की एक कविता जिसका शीर्षक है अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। सुनते हैं। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और आगे नीरज लिखते हैं, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिसमें दो होके भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिसमें दो होके भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और आखिरी शेर है, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। ये कविता रोज में आज इतना ही। अगर आपको ललन टॉप का ये प्रयास पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा ज़रूर करें। कुछ प्रयासों के लिए हौसले का ईंधन ज़रूरी होता है।